हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी डाइटिशियन आरती भसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर। जैसे कि हम सब हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और कुछ ऐसा खाने को ढूंढते हैं जिससे हम हमेशा फिट एंड हेल्दी रहें। कोई बीमारी ना होना ही स्वस्थ होना नहीं होता। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप एक्टिव होते हैं या नहीं? हेल्दी शब्द एक होल वर्ड से बना है जिसमें फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड एनर्जेटिक सब होना चाहिए। तो अगर आप पूरी तरह हेल्दी होना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऐसी वीडियोस और ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे। आज मैं आपको 10 ऐसे डिजीज फाइटिंग फूड बताऊंगी जो सबके किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज डेयरी। डेयरी फूड्स लाइक मिल्क, पनीर, कर्ड, बटर, घी एक्सेट्रा आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, पर इसमें प्रोटीन, विटामिंस और मिनरल्स भी होते हैं, तो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ में वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की आप 3 सर्विंग्स दिन में ले सकते हैं। सेकेंड इज होल ग्रेन। मेरी दादी हमेशा दिन की शुरुआत दलिया से करती थी और आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग ओट्स खाते हैं क्योंकि ये हाईली फाइबरस होता है। होल ग्रेन्स में हमेशा फॉलिक एसिड, सिलेनियम, बी विटामिंस मिलता है जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, और एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में लिया जाए तो वेट भी कंट्रोल करता है और डायबिटीज रिस्क भी कम करता है। इसका फाइबर कंटेंट आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगने देता और प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ। होल ग्रेन्स आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, वीट, बार्ले, राई, मिलेट, किनोआ, ब्राउन राइस एक्सेट्रा। थर्ड इज स्वीट पोटैटो। नॉर्मल पोटैटोज की जगह अगर स्वीट पोटैटो लिया जाए तो ये आपको बहुत हेल्दी रखेगा क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी एंड ई, फोलेट, कैल्शियम, कॉपर, आयरन एंड पोटेशियम होता है। इसे आप रोस्ट करके खाएं विदाउट एडिंग एनी एडिशनल फैट, ये कितना टेस्टी लगता है। फोर्थ इज बेरीज। बेरीज में डिजीज फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसा एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि ब्लूबेरीज जो हैं वो टॉप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हैं। ऐसे ही क्रैनबेरीज, ब्लैकबेरीज, रसबेरीज और स्ट्रॉबेरी भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं जो क्रॉनिक डिजीज से लड़ते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। तो आप कप ऑफ बेरीज रोज खा सकते हैं। फिफ्थ इज टोमेटोज। ये रेड फ्रूट में लाइकोपीन होता है जो कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। इसमें खूब सारे विटामिंस जैसे विटामिन ए एंड सी, पोटेशियम एंड फाइटोकेमिकल्स होते हैं, तो टोमेटो को किसी भी फॉर्म में इंजॉय कर सकते हैं। रॉ, कुक्ड, चॉप्ड, स्लाइस्ड, डाइस्ड टोमेटो को पनीर के साथ खाएं या बॉयल दाल को इस साथ स्टफ करके खा सकते हैं। सिक्स आर बीन्स एंड लेग्यूम्स। दीज आर पैक्ड विथ फाइटोकेमिकल्स, फैट फ्री, हाई क्वालिटी प्रोटीन, फॉलिक एसिड, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम। इन्हें रोज खाने से आप हेल्दी रहेंगे और कई बीमारियों का रिस्क भी कम हो जाएगा। ये वेट लॉस में तो हेल्प बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि इसमें खूब सारा फाइबर होता है और बहुत देर तक भूख भी नहीं लगने देता। सेवेंथ इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वन ऑफ द बेस्ट डिजीज फाइटिंग फूड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, केल, मेथी, बथुआ एक्सेट्रा। इसमें खूब सारा विटामिंस, मिनरल्स, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि मैग्नीशियम रिच फूड खाने से जैसे कि स्पिनच टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है। तो अगली बार से अपनी मील्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करना ना भूलें। एट्थ आर नट्स। नट्स आर फुल ऑफ फैट्स बट वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करता है और हार्ट डिजीज से बचाता है। इसके अलावा नट्स प्रोटीन, फाइबर, सिलेनियम, विटामिन ई एंड विटामिन ए का अच्छा सोर्स होते हैं, तो थोड़े से नट्स ही एनर्जी बूस्ट करते हैं और हंगर प्रैंक्स भी कम करते हैं जो आपको ओवरऑल हेल्दी रखता है। नाइन्थ आर एग्स। एग्स इकोनॉमिकल होते हैं और इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और इसमें कैरेटिनॉइड्स, ल्यूटीन, कोलीन और जेनेथिन का एक्सेलेंट सोर्स हैं। इसमें काफ़ी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है जिस वजह से ये हम कई लोगों को रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर आप अपना फैट कंटेंट लिमिट कर लें तो आप इन्हें रोज़ इंजॉय कर सकते हैं। तो संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिश। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है
जो बॉडी में ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देता और हार्ट डिजीज से बचाता है। तो अगर आप फिश खाते हैं तो ग्रिल्ड या रोस्टेड फिश विद लॉट्स ऑफ वेजेस रोज इंजॉय करें। होपफुली आप आज से ही अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में ये डिजीज फाइटिंग फूड्स ऐड जरूर करेंगे, बट क्वांटिटी का ध्यान जरूर रखें और अपनी लाइफ को वैरायटी ऑफ फूड से स्पाइस अप कीजिए। और मेरा चैनल इसी तरह देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।